आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर हुआ राख। प्रतापगढ़ जनपद के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के सगरा गांव के पास एक फर्नीचर फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि मोहम्मद इरशाद की फर्नीचर फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से लगी आग की वजह से लाखों रुपए की कीमत का फर्नीचर जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने दो वाहनों की मदद से पानी की बौछार लगाकर आग को काबू करने का प्रयास किया, लेकिन आग बुझाने तक लाखों रुपए का फर्नीचर पूरी तरह से जल गया था। घटना की वजह से स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई थी, इससे नगर कोतवाली पुलिस परेशान हुई। फिलहाल मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने बारिश की मदद से आग को काबू करने का प्रयास किया था। आग बुझने तक लाखों रुपए की कीमत का फर्नीचर जल गया था। मौके पर दमकल के दो वाहनों को पुलिस ने आग पर काबू पाने के लिए लगाया हुआ था, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से मोटर पंप के पानी से आग पर काबू पाने का प्रयास पूरी तरह से पुलिस विभाग की ओर से किया गया। आसमान में उठता धुआं देख आसपास के लोग भी हड़कंप मच गया था। करीब दो घंटे के प्रयास के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया, लेकिन पीड़ित के अनुसार लाखों रुपए का फर्नीचर फैक्ट्री में जो बनाकर तैयार रखा गया था वह पूरी तरह से जलकर राख हो गया।